वेलकम टू एग्जामोपीडिया प्लस, एग्जाम फोबिया एंड्स। दोस्त आज हम आ गए फिर से अपने एक नए डीआई पे, बार ग्राफ डीआई सबसे पहले करेंगे, फिर करेंगे टेबुलर डीआई। क्योंकि ये देखो मैंने मैक्सिमम बार ग्राफ डीआई और टेबुलर डीआई कराई, क्योंकि ये दोनों डीआई एग्जाम में काफी ज्यादा पूछी जाती है, बार ग्राफ और टेबुलर, इन दोनों का वेटेज काफी रहता है। ठीक है, तो एक बार बार ग्राफ डीआई देखते हैं। आज की बार ग्राफ डीआई थोड़ी सी इजी है, एक आध क्वेश्चन हो सकता है आपको फंसे, बस बाकी सब इजी है, लेकिन टेबुलर डीआई में सीखने को मिलेगा। टेबुलर डीआई इज लाइक कि वहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन मिलेगा आपको। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को समझो, 30 सेकंड का टाइम है, मैं एक मिनट का टाइम दूंगा, लेकिन अच्छे से समझ लो इस क्वेश्चन को। ठीक, चलो चले भाई 81st क्वेश्चन एक बार देखते हैं, लेकिन उससे पहले डीआई समझ लेते हैं। हमें क्या बताया गया है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन डिफरेंट कंपनीज, अलग अलग कंपनीज में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का डेटा दिया हुआ है। लिखा है 81st क्वेश्चन में, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ऑल द कंपनीज टुगेदर। तो भाई देखो एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ऑल द कंपनीज लिखा है, तो फटाफट से पहले देख लेते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हर कंपनी में है कितने। 600 है इसमें, प्लस 400 है इसमें, प्लस 300 है इसमें, प्लस 500 है इसमें, प्लस 700 है इसमें, और सबका एडिशन डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 1000। 2000 और 500, 2500 डिवाइडेड बाय 5, हलुआ क्वेश्चन उसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलो 82 क्वेश्चन और इसका आंसर बताइए फटाफट। चलो भाई 82 क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन कंपनी ए एंड बी टुगेदर। तो ए और बी कंपनी का टुगेदर एम्प्लॉइज कितना है, 1000 है टुगेदर, और टू द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन सी एंड डी, तो सी और डी में कितना है, 800 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए 83 क्वेश्चन देखते हैं, आंसर करिए फटाफट से। देखो लिखा है द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन कंपनी डी इज हाउ मच मोर देन दैट ऑफ द कंपनी बी, तो डी में कितने हैं, 500 हैं, ये 400 से कितना ज्यादा है, 400 से कितना ज्यादा है, 100 ज्यादा है, 0 से 0 कट जाएगा, ये जाएगा 25 बार, मतलब कि 25 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया ना, देखो आपसे जब भी यहां पूछा जाए हाउ मच मोर, तो ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली से कितनी ज्यादा है ये पता करो, 500 400 से कितना ज्यादा है, 100 ज्यादा है, तो 100 लिखेंगे यहां पे ना कि 500, और
100 परसेंटेज निकालिए तो इंटू 100 कर देंगे, जीरो से जीरो काटेंगे बचेगा हमारे पास 25। अब आप कहो कि सर हम क्या वैसे नहीं कर सकते ऊपर 500 लिख के? कर सकते हो दोस्त, 500 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 100 कर दिया आपने, जीरो से जीरो काट दिया। अब इसको जरा काटिए इससे, तो चार से कितनी बार जाएगा ये, चार से जाएगा अप्रोक्सीमेट, पहली तो वन चला जाएगा फिर टू, टेन बचेगा तो टू बार जाएगा, एट हो जाएगा फिर बचेगा 20, मतलब 5, तो 125 आया है ना। अब ये 125% आया है, 100% से कितना ज्यादा है? 25% ना, वही आंसर है। तो हमने वहां पे भी वही किया था, हमने 400 से वो कितना ज्यादा है वो माइनस करके ऊपर लिख दिया, सो दैट हमें बाद में माइनस ना करना पड़े। और आपने माइनस उस समय नहीं किया, बाद में माइनस करना पड़ेगा, लेकिन माइनस तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो भैया 84th क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में कहेगा 70% ऑफ द एम्प्लॉय इन कंपनी ई, तो 700 का 70% विल बिकम्स 490। कैसे निकाला? तो 7 7 49 और दो जीरो कट जाएंगे, एक जीरो बचेगा, 490 हो जाएगा। आर मेल, तो ये मेल है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल ऑफ कंपनी ई? तो अब 700 माइनस 490 मत कर देना, आंसर नहीं आएगा। क्या करना है, ये मेल है ना, तो पहले फीमेल निकालो, पहले फीमेल निकालो। 700 माइनस 490 कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 210, ये हो गए फीमेल। अब पूछा क्या है, मेल और फीमेल का माइनस ना, तो 490 माइनस 210 ये आएगा आपका आंसर 280। आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बात समझ में आई? 210 अगर आंसर किया था तो आंसर गलत था, 280 आंसर है। क्यों? आपने मेल निकाले 490, फीमेल निकाले 210, अब दोनों का सब्ट्रैक्शन पूछा है। ठीक है ना, समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 85th क्वेश्चन। देखो 85th क्वेश्चन में क्या बोला है, द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपनी ए बी एंड डी टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपनी सी एंड ई टुगेदर। तो भाई ए बी और डी में कितने लोग हैं? 600 400 500 मतलब कि 1500। इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन सी एंड ई? तो सी और ई में कितने हैं? 700 और 300 1000, और 100 से 100 मतलब 100 इनटू में चला जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये इधर बचेगा 150%। हलवा क्वेश्चन आंसर आ गया, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अब हम चलते हैं अपने टेबुलर डीआई पे, और आज का टेबुलर डीआई आपको बहुत कुछ सिखा के जाने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन बनेगा इसमें। तो इस क्वेश्चन को समझो पहले एक बार, क्या है ये क्वेश्चन? 30 सेकंड का टाइम तो दे रहा हूं, एक और 30 सेकंड का टाइम दे दूंगा, 1 मिनट का टाइम दूंगा पहले क्वेश्चन में। ठीक है, करिए।
हाँ भाई देखते हैं 86 क्वेश्चन, पहले डीआई समझ लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन इन फाइव सिटीज ए बी सी डी ई हु सक्सेसफुली बुक्ड टू डिफरेंट ऑनलाइन कैब्स ओला एंड उबर एंड बेस्ड ऑन देयर जेंडर। तो ये है सिटीज, ये है परसेंटेज ऑफ ओला कैब्स कि कितने परसेंटेज ओला कैब बुक हुई है। अगर 40% ओला कैब बुक हुई है तो बाकी का 60% उबर कैब बुक हुई होगी, ठीक है ना। एंड प्रपोर्शन ऑफ मेल एंड फीमेल, ओला कैब में मेल फीमेल का ये प्रपोर्शन है, उबर कैब में मेल फीमेल का ये प्रपोर्शन है, ठीक है। देखते हैं, इफ द टोटल नंबर ऑफ पर्सन विच बुक्ड ऑनलाइन कैब इन सिटी सी इज 400, तो 400 में ऑनलाइन कैब बुक हुई है 400, जिसमें से ओला कैब कितनी है 25%, ये परसेंटेज है, यहां पे देखो परसेंटेज लिखा है ना, ठीक। तो 400 अगर ऑनलाइन कैब 400 है तो ओला कैब कितनी हो जाएंगी, 25% ऑफ 400 दैट विल बिकम्स 100, और ऊबर कैब कितनी हो जाएंगी, ऊबर कैब कितनी हो जाएंगी 75% ऑफ 400 दैट इज 300, ठीक है ना। चलो अब ऊबर का तो हमें काम करना नहीं है, ओला से ही काम करना है। तो देन व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल्स विच बुक्ड ओला कैब इन सिटी सी। तो अब दोस्त ओला कैब में सिटी सी में 2:3 ये हमें दिया गया, राइट। हाँ भाई, तो कहां पे थे हम, ओला कैब में मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो है 2:3, मतलब जो टोटल मेल और फीमेल मिला के वो कितने हैं 5। ओला कैब में टोटल मेल और फीमेल मिला के कितने हैं 5, और 5 का मान है 100, तो 1 का मान कितना हो गया 20, और आपसे पूछा क्या गया है फीमेल, फीमेल बोले तो 3, तो 3 का मान कितना हो जाएगा 3 × 20 दैट इज, दिख रहा होगा यहां पे, दिख तो रहा नहीं होगा, यहां पे नहीं दिख रहा होगा, तो देखो भाई 3 का मान कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, सिंपल सीधी बात है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा, क्लियर है ना, समझ में आ गया। आपने क्या किया, 400 दिए थे नंबर जो कि टोटल कैब्स थे ऊबर ओला मिला के, जिसमें से ओला 25% है, तो ओला कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। अब इसमें पूछा है कि नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है, तो मेल और फीमेल का रेशियो दे रखा है 2:3, जिसमें से 2:3 टोटल है ना, मतलब 2 मेल है तो 3 फीमेल है, तो दोनों मिला के 5 हो गए, तो 5 का मान 100, तो 1 का मान 20 और 3 का मान 60, और वही हमें निकालना था, ठीक है। चलिए 87th क्वेश्चन करिए। हाँ भाई 87th क्वेश्चन अब करना है हमें, राइट। तो देखते हैं, इफ द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स विच बुक्ड ओला कैब फ्रॉम सिटी ए इज 66, टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स विच बुक्ड ओला कैब इन सिटी ए, तो ए में कितनी कैब्स बुक हुई है फीमेल्स के द्वारा, 3, मतलब 3 फीमेल्स ने बुक करी है कैब, और 3 का मान यहां पे कितना दे रखा है 66, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 22, राइट। फिर पूछा है देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल्स विच बुक्ड ओला कैब फ्रॉम सेम सिटी, तो मेल्स 1 है तो 1 का ही मान बताना था, 22 आंसर आ जाएगा, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। 88th क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका आंसर बताइए 30 seconds।
88th क्वेश्चन में क्या बोला है, वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स विच बुक्ड ओला कैब एंड द टोटल नंबर ऑफ मेल्स विच बुक्ड उबर कैब इन सिटी ई। अब यार आप मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे टोटल नंबर ऑफ पर्सन दिए हैं कि कितने लोगों ने कैब बुक करी है? जब टोटल नंबर ऑफ पर्सन दिए ही नहीं है तो क्या आप बता सकते हो डेफिनेट वैल्यू कि कितने लोग ने, मतलब डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन ओला एंड टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन उबर, कैसे पता लगा पाओगे? आंसर हो जाएगा सी एंड डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर। क्योंकि जब तक आपके पास वैल्यू नहीं है आप डेफिनेट वैल्यू नहीं निकाल सकते। यहां पे सिर्फ परसेंटेज और रेशियो दे रखा है, कोई वैल्यू तो दी नहीं है। पिछले वाले क्वेश्चंस में वैल्यू आ रही थी आपके सामने तो आप आंसर तक पहुंच रहे थे, यहां पे वैल्यू ही नहीं है कुछ तो आप आंसर नहीं निकाल सकते। 89th क्वेश्चन, हाँ भाई 89th क्वेश्चन एक बार देखते हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ पर्सन विच बुक्ड ऑनलाइन कैब इज 340 इनकी सिटी बी, तो सिटी बी में ऑनलाइन कैब बुक करने वाले लोग 340 हैं। कैब बुक करने वाले लोग 340 हैं, जिसमें से ओला कैब की परसेंटेज कितनी है? 20%। तो ओला कैब वाले कितने लोग हो जाएंगे? 20% ऑफ 340 मतलब कि 68। और उबर कैब वाले कितने हो जाएंगे? उबर कैब वाले कितने हो जाएंगे? 340 माइनस 68 कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 272 हो जाएगा, ठीक है ना। तो उबर कैब वाले हो गए 272। अब आपसे क्या पूछा है, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल विच बुक्ड ओला कैब, तो ओला कैब मेल कितने हो जाएंगे? 1:1, और 68 का 1:1 कितना होगा? 34 हो जाएगा। In city B is what percent of the total number of person which booked Uber cab in the city? So 34 is what percent of 272 into 100? ये पता करना था। तो अब 17 से काटना पड़ेगा क्योंकि 34 is divisible by 17. तो 17 twos are, और यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 17 बनता 17 हो जाएगा, बचेगा 10, 102. 102 क्या होता है? 17 six जा 102 होता है ना, तो 16. ये हो जाएगा फिर 8 times, और 100 बाई 8 का क्या मान होता है? सबको पता है 100 बाई 8 का क्या मान होता है? 12.5 होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी बट आंसर आप निकाल सकते थे। 90th क्वेश्चन करिए, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से करिए। चलो भाई 90th क्वेश्चन का एक बार देखते हैं। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स विच बुक्ड ओला कैब, तो ओला कैब सिटी डी की बात हो रही है, ओला कैब सिटी डी में फीमेल्स कितनी है? रेशियो पूछा है, रेशियो 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 रेशियो, ठीक है। तो ओला कैब बुक करने वाले व्यक्ति सिटी डी में फीमेल्स कितनी है? तो सिटी डी में परसेंटेज कितनी है? 40% ऑफ समथिंग एक्स। देखो इसको अगर हम एकदम बेसिक से करें ना, तो लेट कर लो एक्स इज इक्वल्स टू ऑनलाइन कैब, टोटल जितनी कैब बुक हुई है वो एक्स है, ठीक है। तो ओला कैब कितनी बुक हुई होंगी सिटी डी में?
इसकी बात हो रही है सिटी डी में कितनी कैब्स बुक हुई होंगी ओला की, तो ओला की कैब बुक हो गई होंगी 40% ऑफ एक्स, राइट। अच्छा ऊबर की कितनी बुक हुई होंगी, ऊबर की बुक हो गई होंगी 60% ऑफ एक्स, राइट। ठीक है, अब ओला में फीमेल्स पता करनी है, तो फीमेल्स कितनी है 1, तो 1/4, 4 क्यों किया, 1+3 करना है, तो 1/4 ऑफ 40% ऑफ एक्स, और इसका रेशियो निकालना है, मैं अपने आप को साइड कर दे रहा हूं। ठीक है, ये हो गया हमारा ओला का कि 1/4 ऑफ 40% ऑफ एक्स ये है फीमेल्स, ठीक है, और निकालना है नंबर ऑफ मेल्स बुक्ड ऊबर कैब, तो नंबर ऑफ मेल्स बुक्ड ऊबर कैब कितना हो जाएगा 1/3 ऑफ 60% ऑफ एक्स। हमें एक्स की वैल्यू नहीं बताई गई है लेकिन हम एक्स मान तो सकते हैं। अब भाई रेशियो है, रेशियो है तो एक्स से एक्स कट जाएगा, ऑफ से ऑफ कट जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, फोर से फोर कट जाएगा, थ्री से ये टू कट जाएगा, तो 1:2 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसका आंसर सीएनडी नहीं जाएगा क्योंकि यहां पे हमसे रेशियो पूछा है, अगर हमसे फिक्स वैल्यू पूछ ली जाती तब हमारा आंसर जो था सीएनडी जा सकता था, लेकिन हमसे फिक्स वैल्यू नहीं पूछी है इसीलिए इसका आंसर सीएनडी नहीं जाएगा। क्लियर है? ओके, प्राइस में हाइक होने वाला है, सबको बताया गया है, अन अकेडमी पे भी मैंने बताया था, यहां पे फिर से बता दे रहा हूं, प्राइस में हाइक होने वाला है बैंक में भी और एसएससी में। रेफरल कोड है गर्ग, इसका इस्तेमाल करके आप 31 दिसंबर से पहले तक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं कम प्राइस पे, उसके बाद आपको थोड़ा ज्यादा प्राइस पे लेना पड़ेगा। ठीक है, डिस्काउंट एक तरफ से चल रहा है, इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके डिस्काउंट के लिए बात कर सकते हैं कि अगर सब्सक्रिप्शन पे डिस्काउंट चाहिए तो। ये है हमारा पूरा स्केड्यूल जो कि आप देख पा रहे होंगे, मैं अपने आप को सामने ले आता हूं। लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम पे 9:15 सुबह हमने 5 क्वेश्चंस किए थे आज, डेली 5 करते हैं। 4 बजे एग्जामोपीडिया पे अभी हम क्या कर रहे हैं, डीआई का सेशन कंप्लीट किया है। 1 घंटे के बाद 5:30 बजे अन अकेडमी पे फ्री मॉक होगा और 10:30 बजे 1000 क्वेश्चंस का एक सेट हम लेके आएंगे, मतलब 25 क्वेश्चन डेली कराते हैं लेकिन 1000 कंप्लीट करने हैं। SBI PO Express एंड 1000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये है हमारा 1 घंटे के बाद का सेशन, लाइव आना बहुत जरूरी है। प्रोफाइल जरूर फॉलो करें, कर लिया है तो हैट्स को डेडिकेट कर दें यार, ठीक है ना, यहाँ पे हैट्स को डेडिकेट जरूर करें। ये है सब्सक्रिप्शन प्लान्स, गर्ग कोड का इस्तेमाल करिएगा, थैंक यू सो मच। कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी बात करनी है, कुछ भी अगर आपको डाउट पूछना है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है, या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी या, मिलते हैं 1 घंटे के बाद।